कोरोना काल में बीते दिनों बाड़मेर में स्कूल के प्राचार्य में इलाके में पॉजिटिव मरीज के रूप में दस्तक दी थी। ऐसा इसीलिए कि वजह जयपुर के रामगंज जैसे हाई रिस्क इलाके से छुपते हुए वो बाड़मेर जा पहुंचे थे और प्रशासन को इसकी कोई सूचना नहीं दी। ऐसा ही एक और मामला अजमेर जिले के नसीराबाद में देखने को मिला। यहां राजकीय स्कूल की महिला प्रधानाध्यापिका ने दूसरों को कोरोना से जागरूक करने के बजाय अपने ही घर में कोरोना संदिग्ध शख्स को शरण दे दी और चिकित्सा विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। पता लगने पर यह झूठ बोल दिया गया कि यहां कोई नहीं रहता। लोगों की शिकायत पर तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा ने मैं पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और संदिग्ध को धर दबोचा। मीणा ने बताया कि जवाहर नवोदय के मेन गेट के ठीक बाहर प्रधानाचार्य कौशल्या देवी का घर है। उसने अपने घर में एक शख्स को 4-5 दिनों से छिपा रखा था जो गाजियाबाद से आया हुआ पाया गया, जिसकी जानकारी चिकित्सा प्रभारी को दी गई। इस पर चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जानकारी जानना चाहिए तो प्रधानाचार्य ने नर्सिंग स्टाफ की टीम को झूठ बोल दिया और कहा कि यहां कोई नहीं रहता और ना ही कोई बाहर से आया है। क्षेत्र के लोगों की शिकायत के बाद शनिवार को पूरे घर को आइसोलेट किया गया और सदस्यों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर